आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 स्टेप प्रोसेस के बारे में जिससे आपका वीडियो टॉप पे रैंक करेगा। यूट्यूब सर्च पे आपका वीडियो सबसे पहले दिखेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडियो SEO। SEO का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। और ये प्रोसेस मैंने अपने वीडियोस पे अप्लाई किया और मैंने देखा कि जो मेरा वीडियो है वो टॉप पे रैंक कर रहे हैं। ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है नितेश, आप देख रहे हैं टेकूटो। और आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसी वीडियो SEO टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपका वीडियो टॉप पे रैंक करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो SEO आपके वीडियोस के लिए बहुत ज़रूरी है। कि यूट्यूबर्स कहते हैं कि आपके कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कि बहुत सारी टिप्स देते हैं, कि तो वो सब तो ज़रूरी है ही, पर वीडियो SEO आपके वीडियोस के लिए उतना ही ज़रूरी है। और उसी से आपका वीडियो वायरल भी होगा और आपके सब्सक्राइबर ग्रो होने के चांसेस भी वीडियो SEO से ही होते हैं। तो जो बेसिक और कॉमन टिप्स हैं वो तो ये है कि आपके जो टाइटल है उसमें आपका कीवर्ड होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, और टैग्स में भी आपका सबसे पहले कीवर्ड होना चाहिए। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरा ये वीडियो है वीडियो SEO के बारे में, तो जो मेरा टाइटल है वो वीडियो SEO से अगर चालू हो तो आपका वीडियो ज़्यादा वायरल होने के चांसेस रहेगा और आपका टॉप पे भी रैंक करेगा। और जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपका कीवर्ड होना चाहिए जैसे वीडियो SEO। और जो टैग्स आप डाल रहे हैं वो कम से कम आपके 20 टैग्स तो होने ही चाहिए, और जो पहला पहला टैग है वो आपका जो कीवर्ड है वो ही होना चाहिए। तो उससे आपका वीडियो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा और टॉप पे भी रैंक करेगा। और जो आपका फाइल नेम है, फाइल नेम भी आपका जो आपका कीवर्ड है जैसे वीडियो SEO, तो उस फाइल नेम को भी आप उसी नाम से सेव करिए। तो वो जो है आपका SEO के लिए बहुत अच्छा होता है और आपका वीडियो अच्छा रैंक करता है। तो अब जो मैं टिप्स बताऊँगा वो मेरी खुद की टिप्स हैं और जो मैंने अपने वीडियोस पे अप्लाई भी किए हैं। जो उसमें सबसे पहला स्टेप है वो है, तो ट्राई कीजिए कि आपका जो वीडियो है वो लंबा वीडियो बने, यानी कि 8 मिनट से ज़्यादा बने या फिर 8 मिनट का बने। क्योंकि YouTube के जो प्रोसेस है उसमें ये देखा गया है कि जो लॉन्गर वीडियोस होते हैं और लंबे वीडियोस होते हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं 2 मिनट या 4 मिनट के वीडियोस के कंपेयर में। और जो लंबे वीडियोस होते हैं वो टॉप पे भी रहते हैं रैंकिंग वाइज, क्योंकि उनका वॉच टाइम ज़्यादा होता है। और आपके वीडियोस टॉप पे रैंक कैसे करते हैं, तो इसका जो प्रोसेस ये होता है कि अगर आपके वीडियो पे जितना ज़्यादा वॉच टाइम होगा उतना ज़्यादा आपका वीडियो टॉप पे रैंक करने के चांसेस होंगे। और यही जो प्रोसेस होता है इसी से आपके वीडियोस टॉप पे रैंक करते हैं। और ये वीडियो SEO का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मेरा यही मानना है कि आप लंबे वीडियोस बनाइए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने 2 वीडियोस बनाए और एक वीडियो जो है वो 2 मिनट लॉन्गर है और जो दूसरा वीडियो है वो है 10 मिनट का। तो जो और दोनों वीडियोस पे हज़ार हज़ार व्यूज़ ही आते हैं, और उसमें से 50-50% ही लोग वो आपका वीडियो देख रहे हैं। दोनों वीडियोस 50% ही देखा गया। तो जो 2 मिनट का वीडियो है उस पर आपका टोटल वॉच टाइम होगा 1000 मिनट, और जो 10 मिनट वीडियो होगा उस पर आपका वॉच टाइम आएगा 5000 मिनट। तो यानी आपका 5 गुना ज़्यादा वीडियो, उस पर आपका वॉच टाइम ज़्यादा आ रहा है। जो 10 मिनट का वीडियो है उस पर आपको 5 गुना ज़्यादा वॉच टाइम मिल रहा है दूसरे वीडियो के कंपेयर में। और इस वीडियो से टिप से आपका वीडियो ज़्यादा जल्दी वायरल होगा और टॉप पे भी रैंक करेगा। तो अब आता है सेकंड स्टेप पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने वीडियोस लंबे बनाइए, यानी कि 8 या 8 मिनट से ज़्यादा, तो वो जितना ज़रूरी है उसके साथ साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके वीडियोस पे लोग 50% या उससे ज़्यादा आपका वॉच टाइम दे, यानी आपका वीडियो ज़्यादा देखें। तो वो आपको कैसे करना है कि जो आपके 15 पहले 15 सेकेंड्स हैं वीडियो के वो आपको बिना इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट किए, कि आप अपना लोगो दिखा रहे हैं या आप नाम बता रहे हैं, आपको ये क्लियर करना है कि आप इस वीडियो में क्या बनाने वाले हैं। और जो सेकंड उसी के अंदर आपको फिर उसके बाद आपको बताना है, एक प्रूफ देना है कि मैंने ये अपने वीडियो में ये अप्लाई किया और मेरे को ये रिजल्ट मिला। तो आपको वो दिखाना है कि मैंने ये अपने वीडियो में करके और ट्राई किया है तो ही मेरे रिजल्ट आया है। तो उससे आपका वीडियो हर कोई पूरा देखेगा या फिर 50% से ज़्यादा ही देखेगा। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 ये है कि आपका जो कीवर्ड है, यानी कि आप किस जिसके बारे में वीडियो आप बना रहे हैं, तो वीडियो SEO के जैसे ये टॉपिक है, तो जो कीवर्ड है वो आपको सबसे टाइटल में सबसे पहले होना चाहिए, और इससे आपका वीडियो टॉप पे रैंक करेगा और वायरल होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेप नंबर 4, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है।
और इस स्टेप में होता यह है कि आप कोई भी वीडियोस बनाते हैं तो आप नॉर्मली वीडियो शूट कर लेते हैं और उसको आप अपलोड कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप वीडियो बनाएं तो आपको जो कीवर्ड है, जैसे मेरा वीडियो वीडियो एसईओ के बारे में है कि आपको टॉप पे वीडियो रैंक कैसे करना है, तो आप जितना हो सके वीडियो एसईओ वर्ड आप अपने जो वीडियो है उसमें आप उसको रिपीट करें, और जितना ज़्यादा आप उसको रिपीट करेंगे आपके वीडियो टॉप पे रैंक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये यूट्यूब का एक प्रोसेस है। यूट्यूब एनालाइज़ करता है आपके वीडियोस में और देखता है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो जिसके बारे में आपका टॉपिक है वीडियो का, तो वो जो कीवर्ड अगर आपके वीडियो में होगा तो आपका वीडियो टॉप पे रहेगा। तो ट्राई कीजिए कि जितना हो सके आप वो कीवर्ड अपने वीडियोस में यूज़ करें, और इससे आपका वीडियोस टॉप पे रहेगा, वायरल होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे और आपके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा ग्रो होंगे अगर आपका वीडियोस चलेगा तो। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 है यूज़र इंटरेक्शन। यूज़र इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि आप जो आपके वीडियोस हैं उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं आप उन पर रिप्लाई कीजिए। तो यूट्यूब ये देखता है कि आपके जो कोई आपने वीडियो अपलोड किया तो उस पर लाइक्स कितने आ रहे हैं, शेयर कितने आ रहे हैं, कमेंट्स कितने आ रहे हैं, और उस वीडियो से सब्सक्राइबर्स कितने ग्रो हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा लोग आपके वीडियो को वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका वीडियो टॉप पर रैंक करेगा और सर्च रिज़ल्ट में भी आपका वीडियो टॉप पर रहेगा। और यूट्यूब भी ये देखता है कि आपके वीडियोज़ पे जितने ज़्यादा आपके क्लिक्स आएंगे, अगर आपका वीडियो 5th या 4th नीचे 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 आ रहा है आपके रैंकिंग्स में, तो अगर आपके वीडियोस पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, तो आपका वीडियो टॉप पे आता जाएगा और सबसे टॉप पे रैंक करना शुरू कर देगा धीरे धीरे, और इसी से आपका वीडियो एसईओ भी अच्छा होता है और आपका वीडियो टॉप पे आ जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो एसईओ और रैंकिंग से रिलेटेड आपको कोई भी और भी वीडियोस ऐसी चाहिए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस रोज़ लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।